व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए संस्कृति का मतलब संस्कारों का अनंत अंतहीन सागर है, जिसमें समाज के हर वर्ग हर पीढ़ी के लिए अनंत संभावनाएं मौजूद होती हैं। क्योंकि बाकी इंसानी यात्राएं कितनी भी लंबी हों, उसकी पूर्णता सांस्कृतिक और सांस्कृतिक तृप्ति ही असली होती है। कश्मीरियत की रंगों में उसकी लहरों में डूबा यह उत्सव उसी पूर्णता का उत्सव मैं मानता हूँ, और मुझे खुशी है कि नई पीढ़ी को कश्मीरियत के उन मूल्यों तथा आदर्शों से निरंतर रूबरू होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस मंच के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में नित नए आयाम तय करने की कोशिश हो रही, एक सिस्टम वहाँ इस्टेब्लिश हो गया है और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी रहे और फाइनेंशियल प्रूडेंस रहे, इसको कायम करने की कोशिश की गई। उस संस्कृति का स्वाद अब लोगों को मिलने लगा है, जिसके बारे में कभी महाकवि कल्लड़ ने कहा था कि वैसा स्वर्ग में भी दुर्लभ है जो यहाँ उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि उसका स्वाद अब लोग लेने लगे हैं। नई पीढ़ी में भी आत्मविश्वास का जन्म हो रहा है, ये आकाश अपना है, ये नदियाँ ये पहाड़ अपने हैं। अब उनके संकल्प रूपी पंख मैं देख रहा हूँ कि खुलने लगे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वह कश्मीरियत की संस्कृति को समृद्ध बनाने में रचनात्मक भूमिका का पूरा निर्वहन करेंगे। किसी दिन एक दिल्ली से पत्रकार गए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप से अगर मैं पूछूं कि क्या बदला, तो उन्होंने देखिए वो मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, मैं तीन बात बता दूँ, तो उनका बताइए अगर तीन मिनट में ख़त्म कर दूँगा। मैंने कहा देखिए पत्थरबाजी अब इतिहास की घटना हो गई जम्मू कश्मीर की। दूसरी बात मैंने उनसे कही कि अब पाकिस्तान और उनके सरपरस्तों द्वारा कोई बंदकाल नहीं दी जा सकती, अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रेड बिजनेस ये अपनी मर्जी से चलता है कश्मीर के लोगों के मंत्र से। तीसरा किसी के डिक्टेट पर कोई अब जीने के लिए बात नहीं है, और जम्मू कश्मीर का नागरिक अपनी मर्जी से जी सकता है, ऐसा वातावरण वहाँ बना दिया गया। आप 10 बजे जाएं 11 बजे जाएं लोग मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि मोटे तौर पर एक कोशिश है, और उस कोशिश में भारत सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जिनकी जहाँ जगह है उनको उसी हिसाब से रखना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अवसर है। 54-55 सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को निकाला गया है जो आतंकवाद को प्रश्रय देते थे, और ये काम अनवरत जारी रहेगा जब तक इस तरह के लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिलेगा जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ाने में मदद की है, उन्हें सरकार का पैसा मिले। मैं समझता हूँ ये कोई सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है, ये काम आगे आने वाले दिनों में भी होगा। ईश्वर की कृपा से आने वाले दिनों में कुछ और बेहतर हो इसकी हर कोशिश की जाएगी। मैं फिर से यहाँ एक विद्वान लोग बैठे हैं, उनका सलाह उनका सुझाव उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो और भी बेहतर काम हम कर सकते हैं। इतनी बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको मेरी तरफ से शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।